अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुतबात उस्मानिया का दूसरा बयान पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हुकूक़ मुस्लिम, ये एक हदीस मुबारक की रोशनी में। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, अम्मा बादु, फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लिल मुमिनी अलल مؤمني ست خصال يعيده اذا مرض ويشهده اذا مات ويجيبه اذا دعاه ويسلم عليه اذا لقيه ويشمته اذا عطس وينصح له اذا غاب او شهد औ कमा कौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस मुबारक का तर्जुमा। बुजुर्गान मोहतरम, एक हदीस है जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के बाहमी हुकूक़ का तस्किरा फरमाया है, यानी एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान के जो हुकूक़ हैं उनको बयान फरमाया है। इस हदीस का तर्जुमा ये है कि एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान के ज़िम्मा छः हकूक़ हैं। पहला हक यह है कि एक मुसलमान जब बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करे। दूसरा, जब इंतकाल कर जाए तो उसके जनाजे के साथ जाए। तीसरा, जब वो दावत दे तो कबूल करे। चौथा, जब वो मिले तो उसको सलाम करे। पांचवा, जब छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में यरहमुकुमुल्लाह कहे। छठा, उसके हाजिर होने या गायब होने की हालत में उसके साथ खैरख्वाही करें।